जब कहने का आपको मौका मिलता है तब आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। शुरू में तो आप समझते हैं कि क्या है, मंच पे चढ़ के बोलना ही तो है, हम बोल देंगे, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई हमारी बात सुनी नहीं रहा, तो फिर किसी और से पूछते हैं कि भाई ये क्या बात है, एक व्यक्ति बोल रहा था तो सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे और जब हम बोलने के लिए खड़े हुए तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो वो बताता है कि उस वाले वक्ता की बात में गहराई थी, तुम्हारी बात में अभी वो गहराई नहीं है, इसीलिए लोग डूब नहीं रहे हैं। गहराई ले आओ तो जो आएगा, जो घुसेगा वो डूब जाएगा। तो फिर उसको गहराई लाने के लिए मनन आरंभ करना पड़ता है। जो मैंने सुना है, जो मैंने बोला है, उसमें गहराई कैसे आ जाए, इस बात का चिंतन वो करता है और जब मनन करने लगता है तो वो सिद्ध हो जाता है। इस तरह से श्रवण, कीर्तन और मनन क्रमशः सिद्ध हो जाते हैं। इस बारे में आपको एक उपाख्यान भी सुनाते हैं। सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, पुराने जमाने की बात है, पुरा मम गुरुर्व्यास पराशर मुनेस्युत तपश्चार संभ्रांत सरस्वत्यास्तटे शुभे। हमारे जो गुरु जी हैं पराशर मुनि के पिता पुत्र, हमारे गुरु व्यास जी, वो सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन की बात है, अचानक वहां से सनत कुमार आदि चार भाई निकल पड़े, चारों चले जा रहे थे, देखा व्यास जी का आश्रम आ गया। उन्होंने सोचा कि व्यास जी से मिलते हुए जाना चाहिए, तो आश्रम में आ गए। व्यास जी ध्यान में मग्न थे, उनको पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने देखा सामने सनत कुमार आदि आकर के विद्यमान हैं, तो दौड़े जाकर के प्रणाम किया, उनको आसन पाद्य अर्घ्य समर्पित किया, प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सनत कुमार बोलने लगे, व्यास जी आप जो है किसका ध्यान कर रहे हैं, आप तो गुरु हैं, बहुत सारे ग्रंथों का आपने निर्माण कर दिया है, ऐसा कोई आध्यात्मिक विषय ही नहीं बचा जिस पर आपने अपनी लेखनी न चला दी हो। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कथाओं को मानव समाज में प्रदर्शित कर दिया है, गुरु स्वरूप हो गए हैं, लेकिन आप कुछ उदास से रहते हैं। व्यास जी ने कहा हाँ जी, इसीलिए उदास हैं कि सब कुछ कर लेने के बाद अभी लगता है कि कुछ बाकी रह गया है, और बस यही बात मन को सालती है कि क्या बाकी रह गया। ज्ञान का उदय हृदय में होता ही नहीं है। व्यास मुनि ने सनत कुमारों से प्रार्थना की कि महाराज आप इस बारे में कुछ बताइए, तो सनत कुमार आदि मुक्ति का कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, यही मुक्ति के तीन साधन हैं, और कोई चौथा साधन नहीं है। बहुत समय पहले हम लोग भी अलग अलग साधनों के भ्रम में पड़ करके इधर उधर घूम रहे थे। एक बार मंदराचल पर्वत पर चले गए, उसी समय भगवान शिव की आज्ञा से नंदकेश्वर वहां पर आए। उनकी हमारे ऊपर बड़ी दया थी, उन्होंने वहां पर श्रवण मनन और निधिध्यासन इनके बारे में हमको बताया। व्यास जी ने सुना और फिर महात्म्य समझ करके सनत कुमार आदि तो ब्रह्मधाम को चले गए, और व्यास जी साधना करने लगे। ऋषिगण बोले हे सूत जी, आपने ये श्रवण कीर्तन और मनन
इनको मुक्ति का साक्षात साधन बताया है, आप ये बताइए कि जो इसमें समर्थ न हो, क्योंकि कीर्तन और मनन ये तो श्रवण पर निर्भर है, श्रवण होगा तभी कीर्तन होगा, कीर्तन होगा तभी मनन होगा, तो ये तीन नहीं है, एक ही है, असल में तो श्रवण है। अब श्रवण में जो समर्थ ना हो, वो बहुत से लोग होते हैं बहरे होते हैं, बहुत से लोगों के सुनने की शक्ति होती है लेकिन ये वाली बात सुनने का मन नहीं होता उनका, माने कथा के लिए बहरे हैं, संसार के लिए तो सुनने वाले हैं लेकिन कथा के लिए बहरे हैं, कथा सुनने में ही उनको नहीं सुनाई देता, बाकी सब सुनाई देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे उधार मांगने जाइए तो कहते हैं क्या, और जब कहिए कि हम उधार ले गए थे देने लाए हैं तो बोले पूरा लाए हो ना, देने जाओ तो सुन लेते हैं, लेने जाओ तो नहीं सुनते, माने उनके काम की जो बात है उसको सुनते हैं, उनके काम का जो कुछ है नहीं है उसको नहीं सुनते।